जी, तो इंशाल्लाह जरूर देखेंगे और हम उनके साथ हैं क्योंकि हम खुद पंजाब से हैं, इसलिए हमें जो पंजाबी लोग हैं उनसे हमें मोहब्बत भी है क्योंकि वो हमारा, हम पाकिस्तान के पंजाबी और वो इंडिया के हैं। जी देखें, उम्मीदें तो लगाई जा सकती है, इंसान इंसान से उम्मीदें लगा सकता है, बस क्या के अच्छा खेलेंगे तो अच्छा एग्रीगेशन होगा उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या लगता है कि शेखर धवन के आने से उनकी टीम पे कोई असर पड़ता है, उनकी कैप्टनसी से कोई फायदा हो रहा है उनकी टीम को कि नहीं? अच्छा, आप मुझे आपको पता है कि जैसे कि कल 22 मार्च थी और कल इंडिया में IPL हुआ और उसकी काफी ग्रैंड ओपनिंग हुई है, जी बिल्कुल क्या कहेंगे इस पर आप? ठीक है, बस यानी कि हम पंजाब पंजाब जो है उसे सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा हम उसे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उनका जो पहला मैच था ना, वो था RCB और CSK के दरमियान था, ठीक है? तो CSK जीत गई है और वो बहुत अच्छे स्कोर से जीती है, मतलब RCB ने किया था 173 पे स्कोर किए थे और उनके 6 आउट थे, वहीं CSK ने 176 किए और उनके सिर्फ 4 आउट थे। क्या वजह है कि CSK इतना अच्छा प्लेयर क्यों कर रहा है? बस ये थोड़ा बहुत उनकी एक तो टीम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा यानी कि वेरियस रीजंस हैं तो जिसकी वजह से वो उन्होंने मेहनत की है अपना जीत गए हैं। हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा जैसे कि आज 3 बजे मैच है पंजाब किंग्स का और दिल्ली कैपिटल्स का, क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है पंजाब किंग्स जीतेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि वो टीम इंतहाई हार्ड वर्क कर रही है। अच्छा, तो यानी कि जो दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स वो हार्ड वर्कर नहीं है? नहीं, मेरे मेरे नजरिए में तो यही है कि वो पंजाब जो किंग्स है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब किंग के जो कैप्टन है वो है शेखर धवन, कभी उनको आपने खेलते हुए देखा है, उनकी बैटिंग देखी है? जी बस थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन वो सही अच्छी बैटिंग करता है, कभी कभी वो ओपनर भी आ जाता है। विकेट कीपर है वो, लेफ्ट हैंड विकेट कीपर है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब जो दूसरी टीम के कैप्टन है वो, उनसे आपको क्या उम्मीद है कि वो अच्छा प्ले क्यों नहीं कर रहे, या आज करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि मैं तो बेसिकली लाइक करता हूँ पंजाब किंग्स को। अच्छा, तो मैं ज्यादातर मैचेस भी इसी के देखता हूँ, तो आज पहला मैच है उसका। जी जी, तो इंशाल्लाह जरूर देखेंगे और हम उनके साथ हैं क्योंकि हम खुद पंजाब से हैं, इसलिए हमें जो पंजाबी लोग हैं उनसे हमें मोहब्बत भी है क्योंकि वो हमारा, हम पाकिस्तान के पंजाबी और वो इंडिया के हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक कल्चर का भी हमारा डिफरेंस भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसे लाइक करता हूँ। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हम दोनों का मतलब हम भी पंजाबी, वो भी पंजाबी, अब आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में PSL ज़्यादा अच्छी लीग है या फिर IPL? क्योंकि PSL हमारे कंट्री का फर्स्ट प्रियोरिटी हम अपने कंट्री को ही देंगे। अच्छा। सेकंड प्रियोरिटी हम उसे देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें PSL ही पसंद आता है। अच्छा, और देन IPL? देन IPL। अच्छा, जैसे कि अगर हम देखें इन दोनों को कि IPL भी हो रहा है और PSL भी हो रहा है, ठीक है, हो गया PSL, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में जो क्रिकेट इस टाइम चल रही है आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ ठीक नहीं चल रही, वैसे हमारे कंट्री के हालात भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हर बंदा आजकल बिक जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत क्यों बिक जाता है? क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा हो गई है हमारे मुल्क में, नौजवान नस्ल भी बहुत ज्यादा मायूस है अब मौजूदा हालात की वजह से, न जॉब्स है ना कुछ है, जिसकी वजह से हमारे जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है सारी वो बिक जाती है, तो इनके ऊपर जो चीफ सेलेक्टर बनते हैं वो भी तो ब्यूरोक्रेट्स ही बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो, फिर उन्हें चीफ सेलेक्टर बना के भेजा जाता है, तो वो तो कौन से दूध के दूल्हे होते हैं, वो बिक जाते हैं आगे। अच्छा। जी अच्छा, तो फिर अब हमें पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की क्रिकेट दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हमें अपने जो क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन इकदाम करने होंगे, क्रिकेट ना के और शोबों में हमें एक अच्छे शहरी की तरह, एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह हमने ईमानदारी से सर्व करना है। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था इंडिया का, इंडिया के हालात देखते आप, ये बंदा 10 सालों में वो ऊपर ले गया अपने कंट्री को। अब लास्ट टाइम मैं इंस्टा पे खबर देख रहा था कि अब इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है 51 ट्रेनें उनकी हो गई हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसके अलावा भी अंडर वाटर ट्रेन भी आ गई है। और देखें ये चीज़ है ना, वो अपने मुल्क के खैर खां है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क का भला नहीं चाहते, वो यहाँ से पैसे उठाते हैं और गैर मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करके जाते हैं, तो वो साफ जाहिर है वो अपने बंदे ही बिठाते हैं,
तो फिर वो साफ जहर है, आपको पता है जो भी क्रिकेट में आ रहा है वो पैसे दे के आ रहा है, कोई गरीब का बच्चा तो मैंने नहीं देखा कि वो फिर कौमी टीम में खेला हो। अच्छा, तो यानी कि अब हमें अपनी टीम को बेहतर करने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए? हमें इकदाम ये करने चाहिए, हमें ईमानदारी से हमें अपने जो है ना गोल की तरफ हमें ईमानदारी से जो है ना एक हमें सिलेक्टर चाहिए, हमें जो इसकी पूरी पार्टी है या पूरी जो एक जैसे हम समझ लें पूरी टीम है हमें उसे ठीक करना चाहिए, और इसके अलावा हम जो है ना ईमानदारी से, हमारा दीन भी यही कहता है कि आप ईमानदारी से काम करो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है जो अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर सके, ये सारे सिलेक्टेड ही आते हैं बेसिकली। अच्छा, चलें, अब आपकी नज़र में यानी कि आईपीएल का जो सेकंड मैच है उसमें पंजाब किंग्स ही जीतेगी, फाइनल है? हाँ, लगता तो ऐसे इंशाल्लाह। चलें, अच्छा लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, चाहे जो भी इंडिया में जीत जाए वो तो ठीक है, क्योंकि ये जो है क्रिकेट तो हार जीत तो मुकद्दर ही होती है, लेकिन बस ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को भी थोड़ा बहुत लिहाज आना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया जाता है, आपको पता है हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, और डेली डेली हमारे पाकिस्तान के रुपए करेंसी की कदर भी कम हो रही है, और इसके अलावा बाहर मुल्क में भी हमारा वो स्कोप नहीं रहा, जबकि आप देखें कि इसकी जो कदर कम हो रही है तो यहाँ पे मेडिकल के लोग जो हैं उन्हें भी जलालत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बाहर मुल्क जाने लगे तो उनके उनके USMLE दें चाहे कोई टेस्ट भी दें तो उनके जो है ना टेस्ट में भी बहुत मुश्किल करते हैं, जबकि इंडिया में आप अबू धाबी में देख लें, दुबई में देख लें तो वो बहुत छाए हुए हैं, जबकि हमारे मेडिकल के लोग यहाँ से जाते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना जीरो परसेंटेज है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे जॉब्स ही नहीं मिल रही। तो ये जो है ना हमारी बदकिस्मती है, जब हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान आएंगे, एक अच्छी काबीना होगी, एक ईमानदाराना माहौल होगा, हमारा हमारा जो है ना जुडिशल का निज़ाम अच्छा होगा, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना ये ऐसा तरीके से होंगी। आज 3 बजे मैच है उसका, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल का, क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से शायद पंजाब किंग्स जीतेगा। पंजाब किंग्स क्यों जीतने की क्या वजह है, क्या वो अच्छा खेलते हैं? बिल्कुल अच्छा खेलते हैं, जो मैच देखे मैंने उनके तो मैं देखता रहता हूँ उनके मैच को, अच्छा खेलते हैं इसके। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, पंजाब किंग्स के जो कैप्टन है वो है शेखर धवन, जो कि बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, तो कोई क्या उनसे कोई उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? जी देखें, उम्मीदें तो लगाई जा सकती है, इंसान इंसान से उम्मीदें लगा सकता है, बस क्या कि अच्छा खेलेंगे तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या लगता है कि शेखर धवन के आने से उनकी टीम पे कोई असर पड़ता है, उनकी कैप्टनसी से कोई फ़ायदा हो रहा है उनकी टीम को कि नहीं? ये तो आज का मैच देखने से पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं, तो आगे देखें जो होगा बेहतरी होगा। और आज का मैच कौन जीतेगा? आज का मैच पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। अगर हम PSL की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान को के अंदर जो क्रिकेट है उसको आप किस नज़र से देखते हो? पाकिस्तान क्रिकेट देखे ना, तो पहले अच्छा खेलते हैं, बाद में आखिर में आके खराब कर देते हैं। इनको चाहिए कि अपने जो है प्रैक्टिस उसको जिस तरह चल रहे होते हैं उसी तरह ही रहे, ठीक है, उसमें भाग दौड़ ना करें या कुछ ऊपर नीचे ना करें, पहले ठीक खेलते हैं, बाद में जाके पता नहीं क्या होता है, हार जाते हैं, फिर दिल ना टूट जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ना दिन ब दिन खराब हो रही है, तो अब हमें अपनी क्रिकेट को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो उन्होंने जो कोच था उनका, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है, तो उनके कोच की वजह से कुछ खराबियाँ हुई, कुछ उनके जो है थे प्लेयर उनकी खराबियाँ थी, कुछ उनके खेलने की वजह से मैच हार गए, ये पीछे हुआ है अपना पाकिस्तान का हुआ है मैच। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये दूंगा कि भाई ऑल द बेस्ट, ठीक है, और अच्छे से खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंडिया का है उम्मीद तो अच्छी है, रिजल्ट भी शायद अच्छी जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।